ओके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो राइट नाउ आई एम इन कैलिंगपोंग और अभी मैं हूँ होम्स के एरिया में। बेसिकली डॉक्टर ग्राम्स का जो स्कूल एरिया है उसके आसपास में हूँ। एंड बिहाइंड मी, मतलब मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख पा रहे हैं, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी ऑन नॉट, कॉज यहाँ पे काफ़ी यू नो क्लाउड्स हैं, काफ़ी कभार धूप आ रहे हैं। सो मेरे पीछे जो भी एरिया है वो है कैलिंगपोंग के पहाड़। सो अभी धूप निकल चुका है, सो राइट नाउ इट इज़ द बेस्ट टाइम टू फ्लाई द ड्रोन इन कैलिंगपोंग सो दैट यू गाइज कैन गेट टू सी द लवली फुटेज एंड द लवली व्यू ऑफ द एंटायर कैलिंगपोंग। सो आई विल बी फ्लाइंग माई ड्रोन फ्रॉम दैट फील्ड इटसेल्फ। यहाँ पे मैं एक फील्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे एक बड़ा सा फील्ड है, मैं वहाँ से ड्रोन को फ्लाई करूँगा एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कैलिंगपोंग का जो ड्रोन फुटेज है वो। उसके बाद हम लोग जाएंगे डेलो पार्क। डेलो पार्क में बहुत ही अनोखा एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो आई विल बी गोइंग टू द डेलो पार्क एंड आई विल बी शोइंग दैट यू नो अमेजिंग प्लेस। अभी आपने देख लिया होगा थोड़ा बहुत ग्लिम्स एंड वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा डेलो पार्क में और दिखाएंगे। एंड आई विल बी गोइंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड दैट इज़ रम्फर्ट। वो अभी फ्रेशन अप हो रहा है, सो ही इज़ गेटिंग फ्रेशन अप बैक विथ रम्फर्ट एंड देन विल गो बैक टू द डेलो। सो अभी ये रहा मेरा बाइक, आप देख सकते हैं टोटली पूरा गंदा हो चुका है। बेसिकली मैं रावांगला की तरफ गया था सिक्किम। सो सिक्किम इज़ ओपन, सो जो लोग सिक्किम जाना चाहते हैं, जो लोग कर्शोंग, दार्जिलिंग, कैलिंगपोंग एंड ये सब जगह जो लोग जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो है खुल चुका है। सो बेसिकली यू हैव टू कैरी योर मास्क, सैनिटाइज़र एंड इफ़ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट इज़ विथ यू 72 घंटे के अंदर, मतलब 72 आवर्स के अंदर वाला अगर कोविड रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आप कोविड रिपोर्ट कैरी करो एंड यू फ्री टू एंटर सिक्किम। सो मैं ऑलरेडी सिक्किम जाके आ चुका हूँ, राइट नाउ इन कैलिंगपोंग। सो यू कैन वॉच द वीडियो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड। इफ़ यू न्यू टू द चैनल देन गो एंड चेक आउट माय नो वीडियो सेक्शंस एंड यू कैन यू नो स्क्रोल डाउन एंड यू कैन चेक आउट द वीडियोज व्हाट्सएवर आई हैव अपलोडेड। सो दैट्स व्हाट। सो अभी मैं कैलिंगपोंग हूँ, अभी जाएंगे हम लोग यहाँ से डेलो पार्क। सो पहले तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, ड्रोन को उड़ाऊँगा, देन विल गो टू द डेलो पार्क। सो अपकमिंग दिस अमेजिंग कैलिंगपोंग ड्रोन फुटेजेस आर फॉर यू गाइज, सो एंजॉय दैट व्यू। उसके बाद मिलते हैं डेलो में।
ओके सो नाउ गोइंग बैक टू द डेलो पार्क एंड आई होप सो कि आप सभी को ये कैलिंगपोंग का जो ड्रोन फुटेज है वो आपको अच्छा लगा होगा। ओके सो नाउ आई एम लीविंग फ्रॉम द होम्स एंड जा रहे हैं टूवर्ड्स द डेलो पार्क। अभी ये जो नैरो पाथ है ना, रात को आने जाने में जो डर लगता है, बारिश के दिन में तो इसमें एलगी आता होगा बहुत, और कभी स्किड हो के उधर गिर गया तो डरा मत यार तू भी। सो अभी तो ये सामने जो है ये है डॉक्टर ग्राम्स होम्स। सो दिस इज अ डॉक्टर ग्राम्स स्कूल एंड इट्स मतलब क्या बोले, बहुत ही पुराना है और ब्रिटिश मेड। ये वर्कशॉप है ना डॉक्टर ग्राम्स का, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एकदम विंटेज ओल्ड लुक वाला। अगर आप ये वाला रास्ता होके जाओगे ना तो ये काफ़ी क्लिफ वाला है, मतलब काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, तो जो लोग ज़्यादा एडवेंचर पसंद करते हैं वो ये वाला रास्ता ले सकते हैं और जो लोग नॉर्मल जाना चाहते हैं वो ये रास्ता ले ले। सो आफ्टर रीच दिस पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है डेलो फाटक। सो आपको यहाँ से जो है लेफ्ट की तरफ लेना है एंड देन आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स यू विल रीच द डेलो पार्क। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह होते थे लेकिन जब से वो एक्सीडेंट हो चुका है कालिंगपोंग में, लाइक जो टूरिस्ट था वो तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ अपना घर गया और जो पैराग्लाइडर था, जो पायलट था, वो ऑन द स्पॉट डेड बिकॉज ही क्रैश्ड इनटू अ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड गॉन। सो तब से लेकर के पैराग्लाइडिंग बंद कर दिया, नहीं तो यहाँ पे आसमान में आपको बड़े बड़े उड़ते हुए पैराग्लाइडिंग देखते। और मैं एक रोड का बात कर रहा था ना कि अगर आपको ऑफ रोड चाहिए तो आप वो ले लो, तो ये रहा वो रोड। अगर आप ऑफ रोड वाला रोड पकड़ते तो आप यहाँ से आते, विच इज़ वेरी स्टिफ। जो रोड से हम लोग आए दैट इज़ लाइक प्रेफरेबल फॉर यू नो कार्स एंड बाइक्स फॉर अ कम्फर्टेबल राइड। सो देखते ही देखते बात करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं डेलो पार्क। डेलो पार्क में हम लोग पहुँच चुके हैं एंड अभी हम लोग अंदर जाएंगे डेलो पार्क के एंड आई विल शो यू द पार्क फ्रॉम इनसाइड। ओके सो अभी जब आप डेलो पार्क में जब आप घुसते हो तो आपको 10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, सो 10 रुपीस पर पर्सन। एंड यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें रमफट भी पार्ट है ना रमफट? यस ब्रदर। तो रमफट तो स्कूल टाइम से ही फुटबॉल का ब्रो, क्या था तू, स्टेट लेवल? स्टेट लेवल क्रेज था ऑब्वियसली, खेला तो है ना तूने बहुत, टीम में था और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बंदा ने खेला, सॉरी ईस्ट जोन खेला, ईस्ट जोन, ईस्ट जोन ना स्कूल लेवल जो भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉन बॉस्को, डॉन बॉस्को तो स्कूल का था जो भी है, ये था ये इसका और मेरा हमेशा लड़ाई चलता था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। बस हम लोग जहाँ पे रहते थे पहले, तो अभी आज भी रहते ही हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड था तो वहाँ पे हम लोग फाइट करते थे कि क्रिकेट खेलेंगे और फिर ये बोलते थे नहीं मैं फुटबॉल खेलूँगा, मतलब नहीं मैं क्रिकेट खेलूँगा। सो देन लास्ट में हम लोगों ने पार्टनरशिप कर लिया कि पॉसिबल इम्पॉसिबल है, तो हमने एक काम कर लिया, हम लोगों ने क्या किया था ब्रो, कि मैंने ये किया था कि जब तक ये नहीं आएगा तब तक फुटबॉल चलेगा, क्योंकि ये आते ही पोस्ट का इधर उधर हो जाता था। अच्छा, ग्राउंड का बीच में स्टंप्स, एकदम स्टंप्स लगा और दादागिरी राज चलता था, और क्या इसका ऐसा कुछ नहीं, कोई दादागिरी वादागिरी नहीं होता था बट या आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, उतना अच्छा भी नहीं बट हाँ मारो तो मारो नहीं तो आउट आउट है ना वैसा वाला। और ये फुटबॉल अच्छा ही खेलता है, ट्रांजिशन दैट इवन इन हिज राइडिंग ये स्लो कभी राइड नहीं कर सकता, लिटरली आस्क हिम टू राइड स्लो, कल दो बार हुआ, आस्क हिम टू राइड स्लो कुछ ना कुछ होगा, सेम वे वाज इट क्रिकेट, तो इसको राउंड क्लीन बॉल हिम बॉल स्लो, अगर फास्ट बॉल आ रहा था ये वो फास्ट का वो ही पेस में कहां कहां उड़ा देता था। एनीवे
So this is what about the entire park. It's beautiful, filled with all pine trees and all. So यहाँ पे मैं बहुत ही आपको एक अनोखा चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको आप लोग मे बी आप लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा. बिकॉज आई डोंट बिलीव कि हम लोग ये चीज़ हमेशा हर जगह पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ना. सो इट इज़ इन कैलिंगपोंग बेसिकली द डेलो पार्क इटसेल्फ एंड दिस इज़ द डेलो रिजॉर्ट जो साइड में है. आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी तक बिकॉज वी हैवंट रीच दैट पॉइंट. सो गाइस दैट्स द डेलो लॉज एंड ये है बहुत ही मस्त एनवायरनमेंट. मैं आपको दिखाता हूँ. देर आर प्लेसेस वेयर पीपल कैन सीट. यू कैन सीट एंड यू कैन रिलैक्स एंड ओवर हियर यू गेट टू सी. नाउ लेट मी शो यू समथिंग. द रिवर दैट यू सी ऑन दैट साइड दैट इज़ द रिवर. सो दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट इज सिक्किम. दैट इज ए मल्ली मल्ली बाजार एंड दैट्स ब्यूटिफुल. एंड लेट मी शो यू द तारे भीड़ विच इज़ इन सिक्किम. सो वो जो क्लिफ आप देख रहे हो ना वो वहाँ पे है. यस एग्जैक्टली. सो दैट क्लिफ इज द तारे भीड़. दैट सिक्किम ये वाला पार्ट सिक्किम. ओके सो अभी हम लोग आ चुके हैं डेलो पार्क. मैंने आपको दिखा दिया वो है डेलो लॉज. उस तरफ है मल्ली बाजार जो कि सिक्किम है एंड तारे भीड़ भी दिखता है यहाँ से. सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि रॉम्फर्ट ने मेरे को ये नॉलेज दिया जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना ये बिल्डिंग इसका कुछ एक अलग ही खासियत है टॉप ऑफ द व्यू में. सो वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा. सो वी हैव गॉट द ड्रोन. सो नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई अप द ड्रोन. ड्रोन को उड़ाते हैं आप देखो क्या है. उसके बाद मिलते हैं आपको कैमरे के साथ रूबरू एंड देन आई विल शेयर व्हाट ही हैव शेयर्ड विथ मी जो मैंने आपके साथ शेयर किया. सो द ग्रेड विल गो टू रॉम्फर्ट इटसेल्फ ऑब्वियसली बट आफ्टर द वीडियो हैव अ लुक.
Okay, so you can see there's a white horse and there's a black horse. So this is the huge and immense ground. And yes, not forgetting, this was the structure. This is basically the Delo Lodge, which is organized by government. Or yahi wo lodge hai jo upar se dikhne mein ekdam jumbo plane ki tarah dikhta hai. Bachpan mein hum log jumbo planes wagera kharid ke chalate bhi the, I remember. So that's how it looks and it's very beautiful. जिसने भी structure को बनाया है, ideally salute that person की काफ़ी अनोखा shape का hotel बनाया है. I guess this is the maybe the first hotel which looks like a maybe there are more but I have not seen yet in a hotel segment. और बाकी का मेरे को नहीं पता. So that's a very beautiful thing. And उसके बाद अगर हम लोग area के बारे में बता पाएँ तो यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी सारी जगह भी हैं. हॉर्स राइडिंग भी होता है. यू कैन कम विद योर फैमिली मेंबर्स एंड यू कैन आराम से यू नो एंड यू कैन लिव हियर बेसिकली एंजॉय राइड हियर एंजॉय. कोई नहीं छोड़. ये बेसिकली ये रगड़ है. ये तो नहीं ना टूटेगा नहीं. ये टूटेगा नहीं. इसमें डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, रगड़ है. मतलब ये रगड़ है बेसिकली. यू थ्रो इट. और मैं ये चीज़ हमेशा मैं ट्रिप में यूज़ करता हूँ. ये जैप का भेजा हुआ एक स्पीकर है जो जैप कंपनी ने मेरे को भेजा था. और मैं ये बकल को कभी भी अपने बैग में टांग के ले सकता हूँ. आई हैव गॉट अ कॉम्पास ओवर हियर एंड द साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड. दो आई एम टॉकिंग सो इसलिए मैंने इसको लो करके रखा है. बाकी ये वेरी गुड प्रोडक्ट है. अगर आपको ये लेना है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. और आप मेरा अगर कूपन कोड डालते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. सो येस दैट्स ऑल फॉर दी फ्रॉम द स्पीकर साइड एंड थैंक यू सो मच रम्फर्ट बिकॉज ये कैलिंगपोंग का है एंड ही हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस. एंड आपने जो भी देखा ना सब इसके बदौलत ही देखा. नहीं हो सकता है मैं कभी ड्रोन उड़ा रहा था अच्छा नजर पड़ता अरे ये क्या है तो हो. बट एनीवे थैंक्स टू दिस ब्रदर लाइक हु हैव इन्फॉर्म मी अबाउट इट. एंड आपने देख लिया कैलिंगपोंग का व्यू और आपने देख लिया डेलो पार्क का व्यू. सो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना. आपने कभी ऐसा देखा कि नहीं वो भी आप मेरे को बताना. एंड वीडियो अगर देख लिया तो लाइक करके जाना. कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा. एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो. इसको शेयर करो या जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पता चले डेलो लॉज जो है ऊपर से कैसा दिखने में और कैलिंगपोंग हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. सो विद ऑल दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय टेक केयर राइड सेफ. मिलते हैं अगले व्लॉग पे. टिल देन टेक केयर राइड हैव राइड सेफ. एंड यस डू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज बाइक अनिलाद्री. यू कैन फॉलो माई फेसबुक पेज दैट इज बाइक अनिलाद्री. बाय बाय. सी ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो ऑन डिफरेंट ब्लॉग. बाय बाय.